हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में धारा 10 के बारे में वाद को रोक दिया जाना के बारे में बताया था, अगर उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में शायद मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ जाए। इसमें कुछ हम दृष्टांत से समझते हैं। बा जो कलकत्ता का निवासी है, उसका एजेंट अभिकर्ता आ कालीकट में है और बा की तरफ से माल विक्रय करता है। आ बा के विरुद्ध कालीकट में उन दोनों के बीच होने वाले व्यवहारों के विषय में लेखों के अतिशेष मतलब बैलेंस ड्यू अपॉन ऑन अकाउंट के लिए बात संस्तुत करता है, जो बैलेंस बचा है। बा नाम का व्यक्ति जो कलकत्ता का निवासी है, उसका एजेंट ए है जो कालीकट में बा की तरफ से माल विक्रय करता है। बा की तरफ से माल विक्रय करता है क्योंकि आ उसका एजेंट है। आ बा के विरुद्ध कलीकट में उन दोनों का आ बा के विरुद्ध कलीकट में उन दोनों के बीच होने वाले व्यवहारों के विषय लेखों के अतिशेष बैलेंस ड्यू अपॉन एन अकाउंट के लिए बात संस्तुत करता है। किस लिए? कि बैलेंस बचा। इस बीच जबकि वाद कालीकट के न्यायालय में लंबित है, अब जो वाद है वो कालीकट के न्यायालय में लंबित है, बा आ के विरुद्ध कलकत्ता में लेखा के तथा आ के द्वारा किए गए उपेक्षा के परिणामस्वरूप हानि के लिए क्षतिपूर्ति का वाद संस्तुत करता है। यह धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी शर्तें पूरी है, जैसे दोनों वादों में विवाद वस्तु मैटर इशू प्रत्यक्ष और सारता वही है, वादों के पक्षकार भी वही हैं। अतः यदि कालीकट का न्यायालय बा की वाद से मांगेगा तो उसका पतन करने की क्षमता रखता है तो कलकत्ता के न्यायालय को बा द्वारा संस्तुत वाद का विचारण स्थगित कर देना चाहिए। कालीकट न्यायालय में संस्तुत वाद जो समय के अनुसार पहले संस्तुत किया गया था का ही विचारण होना चाहिए। अब इस दृष्टांत को अगर हम समझें तो बा नाम का व्यक्ति जो कलकत्ता का निवासी है और वो किसी कंपनी का मालिक है, उसमें माल जो भी बनता है, अब उसने अपने एक एजेंट आ को वो माल दिया विक्रय करने के लिए, ठीक है। अब जब उसने माल विक्रय किया तो कुछ पैसा बचा होगा, अब वो पैसा शायद उसको नहीं लौटा रहा होगा, तभी आ ने बा के खिलाफ कलीकट में वाद संस्तुत किया। अब बा आ के विरुद्ध कलकत्ता में लेखा के तथा आ के द्वारा किए गए उपज्ञा के प्रदर्शन तो हानि की क्षतिपूर्ति वाद संस्तुत करता है, ठीक है। अब कलकत्ता में करता है तो क्या ये वाद संस्थगित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कलीकट से, क्योंकि दोनों वाद में पक्षकार सेम है और मैटर ऑफ इशू वही है, तो ये वाद संस्थगित हो जाएगा कलकत्ता से, अरे कलीकट से संस्थित हो जाएगा और कलकत्ता में चलेगा। परंतु यदि आ बा का अभिकर्ता कोलंबो में है, मतलब एजेंट अगर कोलंबो में है और कोलंबो के न्यायालय में आ के विरुद्ध वाद संस्थित करता है, यदि वह कोलंबो के न्यायालय में आ के विरुद्ध वाद संस्थित करता है तो कलकत्ता के न्यायालय को बा द्वारा संस्थित वाद के स्थगन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोलंबो का न्यायालय विदेशी न्यायालय, ठीक। अब पक्षकारों की समानता, तो इस धारा के प्रावधानों को लागू होने के हेतु इतना काफ़ी है कि पक्षकारों में समानता हो, दोनों वाद में पक्षकार का वही होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण स्वरूप आ और बा ने वादी के रूप में का खा और गा के विरुद्ध प्रतिवादी के रूप में वाद संस्तुत किया और तत्पश्चात का ने वादी के रूप में आ बा और सा के विरुद्ध प्रतिवादी के रूप में वाद संस्तुत किया, सा पूर्ववर्ती वाद से पक्षकार नहीं था, यह निर्णय दिया गया धारा 10 की अन्य सभी शर्तें पूरी हो गई हैं तो पक्षावर्ती इस धारा के नियमों से बाहर नहीं। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पक्षकारों का वाद ही विषय वस्तु से पूर्ण रूप से समानता आवश्यक नहीं। अब देखिए, पक्षकारों की समानता कहने का मतलब है कि आ और बा ने वादी के रूप में का खा और गा के विरुद्ध, आ बा वादी हैं, का खा गा प्रतिवादी हैं, ठीक है। अब इनके विरुद्ध फाइल करता है, अब आ बा और सा के विरुद्ध प्रतिवादी के रूप में वाद संस्थित किया तो सा कहाँ से कर सकता है, सा तो इसमें शामिल था ही नहीं, तो इसमें पक्षकारों की समानता नहीं है, तो ये मैटर क्या होगा, स्थगन हो जाएगा, एडजेंट हो जाएगा, पूर्ण रूप से समानता है। पक्षकारों का समान हक विशेषण या टीका के लिए धारा 11 विवाद वस्तु का समान होना, यदि कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों वाद में विषय वस्तु और विवाद वस्तु के में सभी प्रकार की समानता हो, यही पर्याप्त है कि दोनों वादों में विवाद विषय सारता वही हो। इस धारा के प्रयोजन में यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वादों के अनुतोषों के पूर्ण रूप से समानता हो, अनुतोष मतलब पूर्ण रूप से, जहां वाद हेतु और अनुतोष भिन्न हो वहां यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों के वाद विषय में विषय प्रत्यक्ष और सारता वही है। यह निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कृतिश चंद बनाम हरश चंद नामक वाद में दिया गया।
अब देखिए, कहने का मतलब है कि विषय वस्तु का समान हो। तो जैसे इसको एग्जांपल से अगर समझे तो पूर्ववर्ती और पश्चावर्ती दोनों वादों में विवाद वस्तु प्रत्यक्ष एवं सारता वही है। कैसे? पूर्ववर्ती वाद में पत्नी पुत्र की अभिरक्षा संबंधी आदेश की मांग करती है, पत्नी पुत्र की अभिरक्षा संबंधी आदेश की मांग करती है। पश्चावर्ती वाद में पति पुत्र, पति पुत्र के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त की मांग करता है। अब देखिए, पत्नी पुत्र के अभिरक्षा की मांग कर रहा है और पति पुत्र के रक्षा की मांग कर रहा है, दोनों किसकी रक्षा की मांग कर रहा है? पुत्र की। और आवेदन करता है कि पुत्र की अंतरिम अभिरक्षा उसे देने के संबंध में निर्देश दिया जाए। मतलब जो अंतरिम इच्छा है, जो फाइनल डिग्री, जो फाइनल वो है, वो किसको दिया जाए? अभिरक्षा के रूप में दिया जाए। पति ने कहा कि पश्चावर्ती वाद में बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित तथ्य के वही प्रश्न सारता उठाए गए हैं जो पूर्ववर्ती वाद में निश्चय किए गए। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने राधिका कोनेल पारिक बनाम कोनेल पारिक नामक वाद में निर्धारित किया कि पश्चावर्ती वाद स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में पश्चावर्ती वाद का विचारण स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक। परंतु जहाँ दोनों वादों की विषय वस्तु भिन्न है वहाँ पश्चावर्ती वाद को स्थगित नहीं करेगा। अगर दोनों वादों की विषय वस्तु सेम है तो वाद को स्थगित नहीं किया जाएगा, ऐसे स्थगित कर दिया जाएगा। जैसे वहाँ वाद व्यादेश के लिए संस्कृत किया गया है, प्रतिवादी गण वादी की संपत्ति का कब्जा ना प्राप्त कर सकें और तत्पश्चात वाद की संपत्ति के साथ साथ चल संपत्तियों के बंटवारे के लिए संस्कृत किया, वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विजेंद्र कुमार बनाम बसंत कुमार नामक वाद में यह भी निर्धारित किया कि दोनों वाद की विषय वस्तु भिन्न है, ठीक है। अब कैसे भिन्न है? संपत्ति का कब्जा ना प्राप्त कर सके और फिर तत्पश्चात वाद की संपत्ति के साथ साथ अन्य चल संपत्ति का बंटवारा। पहले कहा जा रहा था कि संपत्ति की कब्जा के बारे में, फिर दूसरा कहा गया कि संपत्ति की कब्जा के साथ साथ चल संपत्तियों के बंटवारे का। अब देखिए, यहाँ वाद की जो विषय वस्तु है वो दोनों अलग अलग हो गई। पहले वाले में संपत्ति का बंटवारा था, दूसरे वाले में संपत्ति के कब्जे के साथ साथ चल संपत्ति के बंटवारे की भी बात करने लगे, इसलिए वाद को स्थगित कर दिया गया, ठीक। तो ये हमारा धारा 10 का दृष्टांत था। अब इसमें देखते हैं वाद का लंबित होना क्या होता है। इस धारा के प्रावधानों को लागू होने के लिए आवश्यक है कि पूर्ववर्ती संस्कृत वाद लंबित होना चाहिए, जो पहले वो वाद है वो लंबित होना चाहिए। जहाँ एक वाद में निर्णय तो हो गया किंतु डिक्री या आज्ञप्ति नहीं बनाई गई, निर्णय हो गया लेकिन डिक्री नहीं बनाई गई, वहाँ यह निर्णय दिया गया कि वाद लंबित माना जाएगा। पूर्ववर्ती संस्कृत वाद लंबित है, इसको प्रमाणित करने का भार पश्चावर्ती वाद के प्रतिवादी पर है। अब देखिए, वाद लंबित है और संस्कृत वाद लंबित है, इसको प्रमाणित करने का भार, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रतिवादी के ऊपर है। यहाँ यह बात पुनः दोहरा देना आवश्यक है कि अगर पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय से लंबित है, तो धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और अगर यहीं का है तो प्रावधान लागू होंगे। जहाँ संपत्ति के विभाजन का एक वाद लंबित है और मृतवादी के स्थान उसके लड़के और लड़कियों के पक्षकार बनाए गए, उन लड़कों में से एक के द्वारा दूसरा वाद संस्कृत किया गया और उसमें संपत्ति के कुछ नए मत जोड़े गए, वह दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरदार आनंददीप सिंह बनाम रजनीत सिंह कौर ने यह भी निर्धारित किया कि पश्चावर्ती वाद स्थगित किए जाने योग्य दोनों वादों का एकीकरण भी लोक नीति के विरुद्ध होगा। जहाँ दो पक्षकारों द्वारा दो प्रतीक वाद क्रॉस सूट संस्कृत किए गए, एक विवाह की एकता के लिए और दूसरा विवाह विच्छेद के लिए, वहाँ विवाह की एकता नलिटी संबंधित वाद का विचारण पहले होगा, एकता के लिए, विवाहित के लिए बाद। अब धारा 10 का अपवाद क्या है? विदेशी न्यायालय में लंबित वाद, समरी वाद। अब ये समरी सूट क्या है? इस वाद समरी वाद भी धारा 10 के अपवाद कहे जाते हैं, क्योंकि एक समरी वाद में विचारण का प्रारंभ वास्तव में तब होता है जब न्यायालय प्रतिवादी के वाद का प्रतिविरोध करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रतिवादी ने जो विरोध किया, अतः धारा के शब्द में विचारण का निर्वाचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता। आदेश 37 के वाद के संदर्भ में वाद के संस्कृत किए जाने के पश्चात सभी कार्यवाही आ जाए। दूसरे शब्दों में शब्द विचारण में न्यायालय द्वारा वाद में प्रतिरोध की अनुमति दी जाने के समरी वाद में पूर्व की कार्यवाही नहीं आए। फिर आता है अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर। फिर आता है पूर्व न्याय, ठीक है। तो ये सब धारा 10 के अपवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, कि आपको समझ में आए।
अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।